चित्रकूट मऊ तहसील अंतर्गत मऊ विकासखंड के सभागार में मऊ खंड विकास अधिकारी रामजी मिश्रा ने ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा पंचायती राज के माध्यम से ग्रामों के विकास के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में मऊ एडीओ पंचायत अनुराग पांडे, प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रभात कुमार पांडे ने सभी ग्राम पंचायतों के विकास की योजनाओं को चलाने के लिए सचिव व प्रधानों को समझाया। समीक्षा बैठक में मऊ खंड विकास अधिकारी रामजी मिश्रा ने कहा कि मुझे सरकार ने ब्लॉक के ग्रामों के सुचारू रूप से विकास के लिए मऊ का वीडियो बनाया है। मैं अपने ग्राम प्रधानों से यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं आगे आएंगी, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। ग्राम पंचायत में एक परिवार एक आईडी के तहत सर्वे किया जाए, जिसमें परिवार एक व्यक्ति के नाम आईडी बनेगी और सदस्यों को फायदा मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने में देरी न की जाए। ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा आवेदन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के करवाए जाएं। सभी ग्राम प्रधान गौशाला में जाकर पूरा ध्यान दें। मैं किसी भी वक्त गौशाला देखने जा सकता हूं। समीक्षा बैठक में पंचायत मऊ अनुराग पांडे ने ग्राम प्रधानों को समय पर पत्रावलियां तैयार करने को आदेशित किया। प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि हमें खंड विकास अधिकारी मऊ की कार्य योजनाओं से संतुष्ट हैं और हम सभी प्रधानों को शासन के मासा अनुरूप कार्य करने चाहिए, जिससे ग्रामों का सतत विकास होगा। समीक्षा बैठक में सभी ग्रामों के प्रधान खपटिहा और कटैया डाड़ी के प्रधान को छोड़कर उपस्थित थे। हम जैसे आपकी SELW है, जब सचिव बैठेंगे रोस्टर के अनुसार, तो कितने काम आपके भी लिंगरान हैं। आंगनबाड़ी का फिर पैसा जा चुका है 13 आंगनबाड़ियों का खाते में, 2 लाख बाल विकास पुष्टाहार वाला पैसा गया, SELW का पैसा गया, मॉडल साफ आपको बनाना है, आपको अंत्येष्टि स्थल एक टाइम बाउंड समाप्त कर देना है, आपका आंगनबाड़ी में जो काम है उसको समाप्त कर देना है। ए सचिव, वो तो ठीक है, सरकार नियुक्त किया है, सरकार तो उसका हर वक्त गाल कालन पकड़ेगा, लेकिन दो चक्का है, हम बार बार कहते हैं, वो भी जो फोन करेंगे वो आप ही के पास करेंगे, आप ही ठेकेदार और लेबर को आप ही लगाएंगे, चाहे स्वतः करिए कराइए, और हम तो चाहेंगे अगर स्वतः आप करेंगे तो बहुत अति उत्तम रहेगा। कोई भी टीम का अधिकारी कभी भी आएगा तो आप बता सकते हैं कि कई फीट गहराई नाली है, कई इंची हम इसमें क्या दिए हैं, कई एक का मसाला है, कितनी चौड़ाई है, आपको याद रहेगा जुआनी। अगर मान लीजिए चलिए कुछ भी VIP होंगे कि वो ठेकेदारी कल्चर अपना करते कराते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक आह्वान पर अब आने वाले दिन में जो परियोजनाएं हैं, जो शासन द्वारा संचालित योजनाएं हैं, आप लोग भली भांत अच्छे ढंग से करेंगे। अब रही बात, जैसे कि आप प्रधान जी हैं, आपसे यही आग्रह गुजारिश है मेरी, बाकी तो सचिव मेरे है ही हैं, सचिव के ऊपर तो मेरा कंट्रोल है ही है, पहले तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका सचिवालय में एक दिन सप्ताह में 2 दिन आप बैठना सुनिश्चित कर रहे हैं। 9 वर्ष पर मैं आपसे एक मांग यही मांग रहा हूं कि आप जो 11 लाख की बिल्डिंग में दरवाजे दरवाजे अभी संकल्प यात्रा में माइक लेकर के यही चिल्लाता रहा हूं, जो प्रधान हमारे सुने होंगे, 11 लाख की बिल्डिंग को हाथी के दांत बनकर दिखावा न करे, उसमें यदि आप प्रधान के प्रथम नागरिक, आपको तो गांव के प्रथम नागरिक बन करके आप अपनी अध्यक्षता, जैसे ब्लॉक प्रमुख भी आती हैं अपने कक्ष में बैठती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जाते हैं अपने कक्ष में बैठते हैं, आपका भी एक कक्ष है, आप बैठिए, जब आप बैठना शुरू करेंगे तो आपका सचिव जरूर बैठेगा। और आपसे आग्रह भी हम कर रहे हैं कि अगर सचिव नहीं बैठता है रोस्टर, तो ये गाड़ी मेरे पास आई है, अभी एक श्री विनोद कुमार जी हैं ग्राम पंचायत अधिकारी बियावल को बंद पाया गया, रेड़ी भुसौली में बंद पाया गया, उनका मैं वेतन रोक करके अगली चिट्ठी उनको मैं भेज रहा हूँ।
तो कहने का मतलब, और जो प्रधानों का आज नए वर्ष में हमारे राजेंद्र भाई जी पर द्वारा सम्मान किया जा रहा है, ये हर वर्ष इस तरह का सम्मान करते हैं और ये बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छे व्यक्तियों में से मिले जाते हैं। अब इनके साथ अगर कोई हमारा भाई प्रधान भाई बदमाशा करे तो ये नैतिकता नहीं कहती। हमारे बीजो साहब ने भी अभी कहा कि भाई अगर कहीं कोई लेन देन कोई बात हो तो उनके साथ भेदभाव न किया जाए, समय पर उनका भुगतान कराया जाए। अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत समझते हैं प्रधानों की, पैसा कब आता है कब नहीं आता, आने पर ही उनका भुगतान कम से कम कराया जाए जी जी। तो उनका भी कारोबार चलता रहे जी। ये आगे और लोगों का सहयोग करते रहते हैं, बिना पैसे का भी सामान सबको उपलब्ध कराते हैं जी जी। हर व्यक्ति भाव ले जाता है, समय पैसा आने पर इनका भुगतान तो कम से कम हो जी जी। ना आने की बात तो दूसरी है। और अब इसके विषय में सब लोग जानते हैं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।